आवाज आ रही है देखो सही पूछो ना आवाज आ रही है मिलके बैठे जरा करीब होके बैठे बात को ध्यान होता है जैसे बात को सुनने के अंदर अपनी अपने अंदर उतारने की नीयत से सुनो क्योंकि कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब बुखारी शरीफ है और बुखारी शरीफ की सबसे पहले हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात अल्लाह के इंसान सब फरमाते हर एक को वही मिलेगा जिसकी वो नीयत करे हर एक को कयामत के दिन अपनी अपनी नीयतों के मुताबिक बताया जाएगा इसलिए हर अमल के अंदर अमल से पहले अपनी नीयतों को दुरुस्त करना कि बात को अपने लिए सुनेंगे तो तरक्की होगी और बात को सुनते वक्त में दूसरों की तरफ निगाह होगी तो इससे उसमें फ़ायदा होगा दिल में किब्र है कि फला से तो मैं अच्छा हूँ फला से तो मैं अच्छी हूँ और ये अल्लाह को पसंद नहीं दीन के मजलिस में हमेशा तालिब बन के बैठना तलब की नीयत से बैठना कि तालिब हमेशा नवाजे जाते उसकी तरक्की होगी बात को ध्यान से तवज्जो से अजमत से बात को यकीन की बुनियाद पर जो बात भी हमारे सामने आ जाए जन्नत जहन्नम आखिरत सिरात मौत है मौत की बात की जिंदगी तो दिल में ये बात कहने के बाद हक है ये बात हक है ये बात हक है तो ईमान की लहरें अंदर होती हैं क्योंकि ये मजलिस ईमान की मजलिस है और इसके अंदर वो बहनें हमारी खास करके जमात में निकली हुई बहनें हमारी और वो बहनें जो अपने बस्ती में हक और तालीम संभालते हैं काम को लेकर चल रहे अल्लाह जिनसे काम ले रहा है ये वो बहनें अब यहाँ पे हमारा जमा होना जुड़ना एक अल्लाह का फजल ही समझे क्योंकि हमारे जुड़ने के अंदर हमारे इस निकलने के अंदर हमारा किसी का कोई कमाल नहीं ये महज अल्लाह ही का फजल है अभी से बात में आता अल्लाह जिस बंदे के साथ या बंदी के साथ भलाई का मामला करना चाहते उसको दीन की चीज़ समझ अता फरमाते और ये अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है अल्लाह हमको चाहते इसीलिए फरमाया उसके दीन की नस्बत पे दीन की फिक्रों को लेके जो फिक्रे जो मेहनत नबी क्या करते नबियों के जिम्मे जो काम था उस काम से नस्बत जोड़ी अल्लाह ने हमारी और उस फिक्रों को लेके हमारा निकलना होगा आज ये फितनों का दौर है और ऐसे मसाइल के वक्त में जबकि लोग घर के बाहर निकलने के लिए डर रहे घर के बाहर निकलने डर रहे हकीकत में ये माहौल बना हुआ है इतना खौफ का मंजर होगा ऐसा माहौल बना हुआ है कि घर के बाहर निकलना दूर की बात है लोग एक दूसरे से बात करने के लिए भी डर रहे एक दूसरे से मुसाफा करने डर रहे हाथ मिलाने के लिए डर रहे एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए डरे और ऐसी ऐसे हालात के अंदर अल्लाह ने उसके रास्ते में निकलने की तौफीक अता फरमाई एक फिक्र को लेके कि सारे इंसानियत कैसे जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाले बन जाए ये फिक्र को लेके अल्लाह ने हमें निकाला इतने ऊँचे रास्ते ये इतना ऊँचा रास्ता है और मैं हदीस पाक में आता है इसका मफहूम है एक सुबह या शाम का निकलना दुनिया और माफिया से बढ़ते दुनिया में तमाम चीज़ें वह इस बार माल की भी वह इस बार आमाल की कोई आदमी अगर माल खर्च कर रहा वो निकलने वाले की बराबरी नहीं कर सकता कोई आदमी अगर अपने घर पे रहते हुए अमाल कर रहा वो ऊँचे से ऊँचे अमाल कर रहा उसके अमाल ये निकलने वाले के सोने की बराबरी नहीं कर सकते रात का इसका सोना भी इसकी रात का सोना भी कीमती इस रास्ते और मैं मक्का मुकरमा में हजरत अस्वद के सामने लैलतुल कद्र में और तहज्जुद के वक्त में इबादत करने से अफजल फरमाया अल्लाह के रास्ते की इबादत मक्का मुकरमा में नमाज पढ़ने पर 100,000 नमाज पढ़ने का सवाब है मदीना में नमाज पढ़ने पर 50,000 नमाज पढ़ने का सवाब है लेकिन अल्लाह के रास्ते में निकल के एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने पे 7,00,000 से लेके 50,00,000,000 सुभान अल्लाह कहने का सौदे इस रास्ते में जो गर्द गुबार बदन पलकना जहन्नम की आग के धुआं भी आराम है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते अल्लाह के रास्ते में निकलने के ज़माने के अंदर एक दिन या एक साल यानी एक लम्हा किसी को कोई तकलीफ पहुँचाए किसी को कोई तकलीफ पहुँच गई मिसाल के तौर पर मिसवाक कई और रखे किए और जगह तलाश कर रहे इतना वक्त भी जो तलाश करने के अंदर वक्त लगा ना इसके ऊपर उसको 100,000 गुलाम आज़ाद करने का सवाल हो और एक गुलाम की कीमत 100,000 दिरहम इतना ऊंचा रास्ता ये रास्ते में निकल के बनी इसराइल की नबियों जैसी दुआएं कबूल होती और मैं बनी इसराइल की नबी दुआ मांगते थे और वो दुआ पे उनके पहाड़ में से अल्लाह ने उठनी निकाल दी नामुमकिन को मुमकिन कर बनी इसराइल की ऐसी दुआएं कबूल होती इस रास्ते नबियों जैसी दुआएं कबूल होती इस रास्ते इसका एक एक पल एक एक लम्हा कीमती है तो हम कितना अल्लाह का शुक्र अदा करें इस मेहनत के अंदर रोज़ाना जब किसी अमल की तौफीक मिली तो अल्लाह का शुक्र अदा करें फजर की नमाज़ की तौफीक मिली अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह से फौरन जुहर की नमाज़ के लिए मांगे ये अल्लाह जैसे तूने फजर की नमाज़ की तौफीक दी वैसे जुहर की भी तौफीक कि जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह नियामतों में इजाफा करेंगे
अभी माशाल्लाह हमारे 10 दिन के करीब करीब वक्त हो गया, अल्लाह का फजल है, 10 दिन के अंदर देखो कारगुजारी, देखो कितनी बेहतरीन कारगुजारी, फूले नगर जैसी बस्ती के अंदर अभी तक इतनी मसरूरत नहीं जुड़ी थी, आप लोगों के आने की बरकत से इतनी मसरूरत जुड़ी है। ये कुर्बानी की बरकत है, क्योंकि कुर्बानी से कुर्बानी वजूद में आती, कुर्बानी से कुर्बानी वजूद में आती। ये व्हाट्सअप से और ये खबरें और पोस्टर लगा के नहीं जुड़ी, बल्कि इसके पीछे कुर्बानी ले, कुर्बानी से काम करने वालों के इखलास की वजह से इतना मजमा जुड़ा। जब काम करने वालों के अंदर का इखलास निकल जाता ना, तो मजमा तितर बितर हो जाता। ये इखलास की अलामत है कि इतनी मसरूरत का जुड़ना और इतनी बहनों ने अजायम इरादे करना, 3 दिन के लिए अजायम करे, इरादे किए, और कई बहनों ने जो बता रहे थे ना कारगुजारी, कई बहनों ने इरादे के अल्लाह के रास्ते में निकलने के, अपने बच्चों को हाफिज आलिम बनाने के, कितनी बड़ी खैर वजूद में। ये हमारा चलना फिरना, ये 10 दिन की कुर्बानी हमारी, ये कुर्बानी में माशाल्लाह बड़ी कुर्बानी है आज के दौर के अंदर। एक मर्द का तो अल्लाह वैसे निकलना आसान हो जाता मर्दों का, लेकिन एक बहन का निकलना बोले तो, एक मसूरत का निकलना बोले तो, पूरे घर की धरती मिटा के निकलना पड़ता, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के निकले। अभी निकलने वाली जमात नहीं मालूम कैसी कुर्बानी के साथ निकली, निकलने वाली बहनें जानती और अल्लाह जानते इसकी कुर्बानी। इसलिए कयामत के दिन नेकियों की गिनती नहीं होगी, नेकियों को तोला जाएगा, कयामत के दिन मीज़ान होगा मीज़ान, और मीज़ान के अंदर कभी गिनती नहीं होती, कितने हज हो गए, कितने उमरा हो गए, कितने 4 महीने, कितने चिल्ले लगे, कितने 10 दिन लगे, कितने 3 दिन लगे, नेकियों की गिनती नहीं होगी, नेकियों को तोला जाएगा, वजन देखा जाएगा। कयामत के दिन गिनती नहीं होगी, क्योंकि मीज़ान के अंदर जो है ना, तराजू में कभी गिनती नहीं होती, वजन देखा जाता, उसके अंदर वजन होता है। और जिस अमल के अंदर जितना इखलास होगा उतना अमल वजनदार होगा, जितना इखलास होगा उतना अमल वजनदार होगा। और इखलास का सिर्फ अलिफ निकाल दो तो अमल खलास होगा, वो अमल क्या होगा, खलास होगा। उस अमल के ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, बड़े बड़े सखी शहीद और आलिम वो दीन के जानने वाले बगैर इखलास की बरकत से सब पकड़े जाएंगे। इसलिए ये अमल हमारा इखलास के साथ हो, अल्लाह के नज़दीक कबूल हो जाए। इसलिए हज़रत अली ने फरमाते हैं, अमल से ज़्यादा अमल की कबूलियत की फिक्र करो। और फैसला जो है ना खात्मे पे होता है, फैसला खात्मे पे होता है, यानी कि कितना लगे, कितना करे, कितनी ज़िंदगी गुजार दी, कितनी मुद्दत पूरी कर दी। तबलीग के अंदर मुद्दत का पूरा करना असल नहीं है, बहुत पुराने हैं, बहुत चार चार में लगे, बहुत मुल्कों का सफ़र करें, नहीं। बल्कि मौलाना इलिया साहब फरमाया करते थे, काम करते करते इस काम में लग के दुनिया से चले जाना, ये असल है। इस्तकामत किसे कहते हैं? इस्तकामत ये नहीं कि चंद अमाल की पाबंदी कर ली, बल्कि इस्तकामत ये कि आदमी काम करते करते दुनिया से चलेगा, ये असल। तो ये अल्लाह से मांगने की चीज़ है, अल्लाह से इस्तकामत को मांगी, अल्लाह से इस्तकामत को मांगी कि अल्लाह ने काम दिया, नबी वाली मेहनत है, नबी वाला काम है। इस मेहनत से मकसूद पूरा दीन है, पूरा दीन। जैसे बेदीनी के ऊपर अल्लाह की मदद के वादे ने, वैसे अधूरे दिन भी अल्लाह की मदद के वादे ने, पूरा दीन पूरी हकीकत के एतबार से हमारे अपनी ज़िंदगी में कैसे आ जाए, तो इसकी ये मेहनत है। इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है, ये 3 दिन 10 दिन चिल्ले के लिए इसलिए निकाला जाता। इसलिए उलमा इकराम फरमाते ना, हमने अपने बड़ों से सुना है कि एक मर्द बना तो एक फर्द बना, लेकिन एक औरत बनी तो पूरा खानदान बना। मर्द चाहे कितना भी दीनदार हो जाए तो उसकी दीनदारी घर के दहलीज के बाहर, उसकी दीनदारी घर के दहलीज के बाहर, घर के अंदर दीन आएगा ना वो औरतों के रास्ते से आएगा। क्योंकि एक औरत बनी ना तो पूरा खानदान दीनदार बनता है, एक औरत बनती ना तो नस्ल दीनदार बनती। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी बेदीन थी, ईमान नहीं लाई थी, साथ में रहने वाला बेटा भी बेदीनी के साथ है, क्योंकि माँ का असर होता बच्चों पे, माँ के तकवे का असर होता, माँ के अंदर तकवा आता, वो जो सिफात रहेंगे वो बच्चों के अंदर मुंतकिल होते, वो बच्चों के अंदर मुंतकिल होते। क्योंकि इसलिए बताया कि एक मर्द बना तो एक फर्द बना, लेकिन एक औरत बनी तो पूरा खानदान बनता। एक औरत का बनना, मर्द अहबाब 40 दिन लगाने के बाद आखिरी 3 दिन में जो कैफियत बनती ना, अल्लाह के वजह से औरतों की 3 दिन में कैफियत बनती, 3 दिन के अंदर शरीफ पर्दी की पाबंद और तहज्जुद गुजार बनकर, 3 दिन के अंदर तब्दीली आ जाती, 3 दिन के अंदर जिंदगी में तब्दीली आती है। 3 दिन मर्द अहबाब 4 महीने लगाने के जो कैफियत बनती ना, 4 महीने के बाद अल्लाह के वैसे औरतों की 10 दिन में कैफियत बनती। 10 दिन लगाने वाली मस्तूरात एक तरफ और मर्द 4 महीने लगाने वाले मर्द एक तरफ। इस देखो अल्लाह के इंसान ने पहली जमात बनाई, पहले दिन अल्लाह के इंसान ने पहले दिन से मेहनत में मस्तूरात को साथ में रखा। ये नहीं कि मस्तूरात को अलग मेहनत है और मर्दों की अलग मेहनत है, नहीं, बल्कि सबसे पहले दावत देने वाले अल्लाह के इंसान और सबसे पहले दावत पे लब्बैक कहने वाली हजरत खदीजा है, ये उम्मत की माँ है। सबसे पहले ईमान लाने वाली, सबसे पहले ईमान कबूल करने वाली हजरत खदीजा, सबसे पहले मक्का की मालदार औरत है, सबसे पहले लब्बैक का। सारे उलमा इकराम का इसके ऊपर इत्तेफाक है,
कि मर्द और मसूरत में सबसे पहले ईमान कौन लाया, तो सारे उलमा इकराम इस बात के मुत्तफिक है कि सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत खदीजा, सबसे पहले ईमान लाने जब पहली जमात रवाना करे अल्लाह के साथ ने हबशा के लिए, तो उसके अंदर 7 मर्द और 4 मसूरत थी। तो ये माँ मसूरत जमात पहली जमात रवाना हो गई और उस जमात के अंदर उम्मे हबीबा थी, हजरत उम्मे हबीबा थी। हबशा जाने के बाद वहाँ का ईसाइत का माहौल था, तो उनके शोहर अब्दुल्ला बिन जहश हुआ जाके मुर्तद हो गए, लेकिन उम्मे हबीबा मुर्तद नहीं हो गई, वो अपने दीन पे जमी रही। ये औरतों की खूबी है, इसलिए हजरत आयशा फरमाती है अल्लाह की कसम की मिसाल के बाद बहुत सारे मर्द तो मुर्तद हो गए, लेकिन एक भी औरत मुर्तद नहीं होगी, एक औरत भी मुर्तद नहीं होगी और एक औरत भी मुनाफिक में नहीं शुमार है उसका। ये औरतों की खूबी है कि औरतें किसी बात को ले लेती ना मजबूती से जम जाती हो। अल्लाह के दीन की नस्बत पे माँ अपने बच्चों को समझा रही है, हजरत सुमैया अपने बेटे को तरकीब दे रही है हजरत अमर को, क्योंकि बेटे जान देने की चीज़ें ईमान देने की चीज़ नहीं है। सबसे पहले शहीद होने वाली औरत, सबसे पहले खून का कतरा किसी का गिरा इस्लाम के खातिर, तो फरमाए वो औरत है हजरत सुमैया। सबसे पहले सलाम जो आया ना वो औरत को हजरत खदीजा, अल्लाह की तरफ से सलाम आया, इतना माल लगाया और अल्लाह की तरफ से सलाम आ रहा। वो ऐसी खातून है कि जिसके घर के अंदर जिब्रील अलैहिस्सलाम 400 मरतबा आए, उलमा इकराम फरमाते 400 मरतबा जिसके घर के अंदर ऐसी औरत है। जब उनको कफन में कब्रस्तान में जब दफन किया गया कब्र के अंदर, जब अल्लाह के इंसान ने उनका चेहरा किबले की तरफ किया, जब चेहरा उनका किबले की तरफ किया तो उनका चेहरा जो आसमान की तरफ हो गया, उनके चेहरे को 2 मरतबा किया 3 मरतबा किया, अल्लाह के इंसान परेशान हो गए, क्या बात। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आके कहने लगे कि अल्लाह चाहती गई अल्लाह की नेक बंदी कयामत तक के मुझे देखते रहे और मैं इसे देखता रहूँ, इसलिए इनका चेहरा आसमान की तरफ कर, इसका चेहरा आसमान की तरफ चल रहा। तो ये है इतना ऊंचा मरतबा, इतना मकाम क्यों मिला, क्योंकि शोहर के काम में ताउन करे, दीन के काम में साथ देने की बरकत से अल्लाह ने इतना ऊंचा मरतबा दिया। अल्लाह के हजरत फातिमा को औरतों की सरदार का जन्नती का लकब मिला, वो किस वजह से, लेकिन अल्लाह की नबी की बेटी इसलिए नहीं, हजरत अली की बीवी इसलिए नहीं, हजरत हसन हुसैन की माँ इसलिए नहीं, बल्कि हजरत अली ने तो अल्लाह के रास्ते में जाते थे, अल्लाह के दीन की मेहनत करते थे, तो उनके काम में ताउन करती थी, साथ देती थी, इसके वजह से अल्लाह ने इतना अच्छा मरतबा। ये औरतें इतना माविन बनी दीन के काम के अंदर, तो अपने घरों में रहते घर के माहौल को बनाना औरतों की जिम्मेदारी बनती है कि हमेशा तो अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलेगी। जैसे मर्द हमेशा तकाजों पर चलते रहते, औरतें भी तकाजों पर निकल सकती हैं मगर हमेशा तो नहीं निकलेगी। मर्द है वो 10 दिन लगाएंगे, 15 दिन लगाएंगे, लेकिन औरतें 3 दिन लगाएंगी, 3 दिन जाके आ गए, दूसरे महीने फिर 3 दिन लगा सकती। लेकिन जितने मर्द तकाजों पे चल सकते उतनी औरतें तो नहीं, औरतों को ज़्यादा वक्त घरों पे रहता है, तो अपने घरों पे रहते घर के माहौल को बनाना। हमारे घर का माशरा, घर का माहौल, घर के माहौल के अंदर ईमान की दावत आम फिजा बना। ये दौरे सहाबा के अंदर देखो, मर्द भी औरतें भी और बच्चे भी सारों का मिजाज दावत का था, और वर्ण यूसुफ साहब इधर फरमाया करते थे उम्मत के ऊपर सबसे पहले आजाब है कि उम्मत ने दावत ही को छोड़ दिया, कि उम्मत के ऊपर सबसे पहले आजाब कि उम्मत ने दावत ही को छोड़ दिया। दौरे सहाबा में हर एक दाई थे, मर्द भी औरतें भी बच्चे भी, हर एक का मिजाज दावत का था। तो अपने घरों पर रहते हुए ईमान की दावत का आम माहौल बनाए। ईमान के खिलाफ अगर कोई बात सुने तो ओपरा मालूम होने लगे, अजीब बात मालूम होने लगे, हाँ ये खाए करके ऐसा होगा, इसके वजह से ऐसा होगा। हमारे अल्लाह इतने कमज़ोर नहीं कि बीमारी एक को लेना था दूसरे को पहुँच गई, करके बीमारी इसको करना था उसके वजह दूसरे को बीमारी चली गई, इतने कमज़ोर तो नहीं है नाउज़बिल्ला अल्लाह हमारे, हम ऐसे अल्लाह को रब नहीं मानते, वो अल्लाह है हमारा, तो हर चीज़ पर कुदरत रखता, हर चीज़ पर ताकत रखता। ये यकीन बनाने के लिए रोज़ाना ईमान की दावत, कम से कम हजरत जी तो फरमाते रोज़ाना 25 लोगों को ईमान की दावत, ईमान की दावत के अंदर रोज़ाना अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत को बोले। अल्लाह करते अल्लाह के करने से होता, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता। जन्नत और जहन्नम, आखिरत फिसरत, इन चीज़ों को इतना बोले कि चीज़ें यकीन में आ जाए, इन चीज़ों का यकीन हो जाए, इन चीज़ों का यकीन बन जाए कि करने वाली जात को अल्लाह की है, नफा नुकसान, इज्जत जिल्लत, जिंदगी मौत, बीमारी शिफा अल्लाह के तरफ से, मौत और मौत के बाद की जिंदगी असल है। मोमिन मौत से नहीं डरता, मोमिन मौत से नहीं डरता, मौत तो अल्लाह से मुलाकात का बेहतरीन तोहफा है। मौत से वो डरेगा जो मरने से पहले मौत की तैयारी नहीं की, अल्लाह वालों ने मौत से पहले मौत की तैयारी की, इसलिए मौत से डरते नहीं थे, मौत से डरते नहीं थे। मौत अल्लाह से बेहतरीन मुलाकात हो, वो तो मौत हर हक है, वो तो बिल्कुल आना ही आना है, हर हाल में आके रहेंगी, चाहे बीमारी के बगैर बीमारी के, सबको मरना है। ये इसके मुजाकरे खत्म हो गए मेरी माँ बहनों, इसलिए मरने से डर रहे आज लोग, मरने से डर रहे, हालांकि मौत से डरना नहीं है। मौत तो जैसे पैदाइश की तारीख थे, वैसे मौत की तारीख तय अल्लाह के तरफ,
तो ये यकीन के बनाने के लिए रोजाना मेहनत और फिर अमल दिया अल्लाह ने हमको, अमल यकीनी असबाब है, इससे लेने वाले बने। अल्लाह की इंसान ने उम्मत को सिखाया था अमल से लेना, जब भी जिस लाइन का जो भी मसला आता दो रकात पढ़ के अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह के नबी ने सिखाया। हजरत अबू हुरैरा मस्जिद में पेट के बल लेटे, पूछा क्या हुआ है, कहने के पेट में दर्द है, तो मैं उठ नमाज पढ़, नमाज में शिफा है। एक साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे कहने के मेरे लिए रोजी के लिए दुआ करो, अल्लाह की इज्जत ने हमेशा बावजूद आकर। दूसरे साहबी कहने के या रसूल मेरे लिए रोजी के लिए दुआ करो, अल्लाह के नबी ने फरमाया चाश की नमाज की पाबंदी करो, बदन के 360 जोड़ का सदका है और चाश की नमाज रोजी को खींचती है। तीसरे साहबी कहने के या रसूल मेरे लिए रोजी के लिए दुआ करो, अल्लाह की इज्जत ने फरमाया इस्तिगफार की कसरत करो, अल्लाह के नबी आमाल सिखला रहे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाने लगे कि जिस घर में सूरह वाकिया पढ़ा जाता है उस घर में कोई फाका नहीं आता, ये अमाल सिखला है। और साहबा जब अमाल करते थे ना पूरे यकीन के साथ, अल्लाह ने जो वादे फरमाए ना अल्लाह ने दे दिए, देंगे नहीं, घर से निकले दुआ पढ़ के अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु, तो पूरे यकीन के साथ कि मेरे घर को कुछ नहीं, मेरे घर को कुछ नहीं, बस पूरे यकीन के साथ। कि साहबा जब अमाल करते थे ना पूरे यकीन के साथ, हमारे में और साहबा में यही फर्क है, हमारे अमाल तो माहौल के एतबार से हो रही या तो आदत के एतबार से, इसके ऊपर अल्लाह का कोई वादा नहीं है। अल्लाह का वादा यकीन वाले अमाल के ऊपर, कि एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहा तो अल्लाह ने ओहद के पहाड़ के ऊपर सवाब दे दिया, देंगे नहीं, दे दिया, ऐसा यकीन, तो अमाल पे इस्तकामत मिलेंगी। हजरत फातिमा ने सर्दी के दिनों में, सुनो ध्यान से, सर्दी के दिनों में जब रातें बड़ी बड़ी होती है, ईशा की नमाज के बाद दो रकात नफली नमाज की नीयत बांधी और फजर के अजान के हुक्म में सलाम फेरने लगी और कहने लगी या अल्लाह तेरी रात कितनी छोटी है, दो रकात में खत्म हो, दो रकात में खत्म हो, कि दो रकात के अंदर पूरी रात गुजार दी, ये यकीन और ये आमाल पे इस्तकामत। आज हमारे आमाल देखे ना, आज मसला ये होगा कि दीनदार अपने मुकाबले में बेदीन को रखे चल रख करके मुतमईन है। दीनदार किससे मुकाबला कर रहा, तो बेदीन से कर रहा। दीनदार अपने मुकाबले में सहाबा को सामने रखे चले, सहाबा के नमाज, सहाबा के अमाल, सहाबा के अखलाक के मुकाबले में अपने अखलाक और हमारे अपनी जिंदगी को देखेंगे तो ऐसे लगेंगे हम तो बस नमाज नहीं बल्कि हमारी नमाज तो बच्चों जैसी नमाज, कि नमाज के अंदर कितना ध्यान, नमाज के अंदर कैसे नमाज को कैसे ध्यान के साथ पढ़ रहे, बगीचे में नमाज पढ़ रहे, नफी नमाज पढ़ रहे, दो रकात नफी नमाज पढ़ रहे और बगीचे के अंदर परिंदा आ गया उसको बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, इतना गुंजान फलों से भरा हुआ था बगीचा, तो बाहर निकलने को रास्ता नहीं मिला, तो नमाज में सदस्य हो गया तो वो बगीचा अल्लाह के रास्ते में सदका दे दिया। ये नफी नमाज के अंदर ध्यान चला गया, सौ हो गया, सिर्फ सदा सौ करना पड़ा, तो बोले वो बगीचा रख के फायदा क्या, बोले बगीचे को दे दिया, सदका कर दिया फौरन। ये थी कि तीर निकाला जा रहा, तीर नहीं निकल रहा, दो रकात नफी नमाज की नीयत बांध के खड़े हो गए, सहाबा ने तीर भी निकाल दिया तो हजरत अली रज़ी को पता भी नहीं वो तीर कब निकाली, वो नमाज देखो। अब वो नमाजी कैसी नमाजी थी, कामिल और जानदार नमाजी थी, वो नमाज मकसूद है असल में, ये कामिल नमाज, इसलिए नमाज की दावत इसलिए देना कि लोग बेनमाजी इसलिए नहीं बल्कि नमाज की हकीकत को पैदा करने के लिए और सहाबा वाली नमाज की दावत में, और अपने दास से मश करे, बाकायदा दुआ करे, अल्लाह से मांगे, इसलिए इसकी फिक्र करना, ये 10 दिन के अंदर तो मेहनत करे अपनी नमाजों को, अब इस पर इस्तेकामत, अल्लाह से मांगे, उनकी पाबंदी, जैसे तहजुद के अहतमाम हो रहा, इशराक है, चाश थे, अवाबीन, ये नफी नमाजों का जैसे अहतमाम हो रहा था, अपने घरों पर भी इसका अहतमाम करें, तहजुद का अहतमाम करें, घरों में माहौल बने, छोटे छोटे बच्चे तहजुद में उठे, ये घरों का माहौल बने, फिर अपने घरों में तालीम पांच अमाल के साथ, अपनी निगरानी के अंदर फिक्र के साथ, जैसे पांच अमाल की दावत देना ना, कुरान के हल्के, किताबी तालीम, एक दिन फजाइल की तालीम पढ़े, एक दिन मुंतखब की तालीम पढ़े, और छह सिफात के मुजाकरे घरों में तश्किल का माहौल बने, और घरों में मशवरा, घरों में तालीम करेंगे तो पर्दे के अहतमाम के साथ, कि जिनसे शरई पर्दा पर्दे, जैसे नमाज अल्लाह का हुक्म है वैसे पर्दा अल्लाह का हुक्म है, पर्दा अल्लाह का हुक्म है औरतों के लिए, औरत का मानी होता है ढकी छुपी चीज को कहते हैं, औरत जैसे नाम है औरत वैसे औरतों का आवाज भी पर्दा है, औरतों का आवाज भी पर्दा है। हजरत उम्मे सलमा ये उम्मुल मोमिनीन है, उम्मत की माँ है, अल्लाह की रसूल के साथ घर में बैठी हुई थी, दोनों बैठ के बात कर रहे थे, दोनों घर में बैठ के बात कर रहे थे, तो एक नाबीना साहब है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाम है उनका, वो आवाज देते हुए आ रहे, या रसूल अल्लाह हमें दीन सिखलाओ, या रसूल अल्लाह हमें दीन सिखलाओ, आवाज देते हुए आ रहे हैं, तो अल्लाह की रसूल ने फरमाया अपनी बीवी से, फरमाया उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा से कि अंदर के हिस्से में चले जाओ, पर्दा करो इनसे, तो वो कहने लगे तो अंधे है, ये तो नाबीना है, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम तो आंखवाली हो ना, जैसे मर्दों को गैर महरम को देखने के लिए मना करते मस्तूरात को, वैसे मस्तूरात भी गैर महरम को देखने से बचे,
सहाबा जी पूछा देवर के ताल्लुक से, अल्लाह की जिसने फरमाया देवर तो मौत है, देवर को तो मौत कहा, देवर को तो मौत कहा कि घर के अंदर शरई पर्दे का एहतमाम। जैसे हमारे घरों के अंदर अक्सर ज्वाइंट फैमिली होती है, ज्वाइंट फैमिली के अंदर तकवा इख्तियार करे, कम से कम ये तो एहसास हो कि इनसे पर्दा है करके, इनसे पर्दा है, इनसे कम से कम ये एहसास तो कम से कम एक ना एक दिन अमल पे डालेगा। अगर एहसास ही खत्म हो गया तो फिर अमल की कैसे तौफीक मिलेगी। एहसास तो कम से कम क्या हुआ इनसे पर्दा है करके, जैसे खालाजात भाई है, फूफीजात भाई, चाचाजात भाई है, मामूजात भाई है, खलेरे फुपेरे चचेरे जितने रिश्ते हैं इनसे पर्दा है, खालू से पर्दा है, फूफा से पर्दा है, शोहर के भाई का लड़का जिसको भतीजा कहते हैं उसे शरीयत में पर्दा है, शोहर की बहन का लड़का जिसको भांजा कहते हैं उसमें शरीयत में उससे पर्दा है, उससे पर्दा है, शरीयत है, ये तो दीन है। जिनसे आसान रास्ता किन लोगों से पर्दा है, कि जिनसे निकाह हो सकता उनसे पर्दा है, जिनसे निकाह नहीं हो सकता उनसे पर्दा नहीं, आसान एकदम। और उलमा इकराम से मालूम करें हमारे घर के अंदर शरई पर्दा जिंदा हो जाए, ये जैसे नमाज हुक्म है ना वैसे शरई पर्दा है, ये तो इसकी कोशिश करे, इसका अहतमाम करे, इन लोगों को पर्दे का अहतमाम। हजरत आयशा घर में बैठी हुई थी, उनकी छोटी भांजी आई, उनकी बहन की लड़की आई, छोटी बच्ची है, उसने दुपट्टा पहनकर आई थी और इतना पतला दुपट्टा था कि सर के बाल नजर आ रहे थे, तो हजरत आयशा तहेश में उठ गई और तहेश में उठ के उसका दुपट्टा निकाल के फाड़ के फेंक दिया, दुपट्टा निकाल के फाड़ के फेंक दिया और अपने घर में संदूक में से मोटा कपड़ा निकाली और उसके सर पे लपेटी। सर पे लपेटने के बाद कहने लगी कि जिस घर के अंदर औरतों के सर के बाल नजर आते हैं उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। हालांकि छोटी बच्ची है लेकिन बचपन से तरबियत की जा रही, बचपन से माहौल बनाया जा रहा, क्योंकि जिस घर के अंदर औरतों के सर के बाल नजर आते उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, इसलिए बचपन से बच्चों को सरों पर ढाके रखने की आदत डाले, सरों को ढाके रखने की आदत डालेंगे ना बचपन से तो बड़े होने के सर पर दुपट्टा टिकेगा, वरना दुपट्टा बोझ बन जाता है फिर आगे चल के। हाँ, और जिस घर के अंदर दीपा अल्लाह की जैसे घर के अंदर बैठे हुए, जरा ध्यान से सुनो, अल्लाह के नबी घर के अंदर बैठे हुए, जिब्राइल सलातुस्सलाम आए घर के बाहर, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिब्राइल घर में आ जाओ, जिब्राइल घर में आ जाओ, तो जिब्राइल सलाम कहने लगे हम तुम्हारे घर में नहीं आ सकते। कहने लगे क्या बात है, कहने लगे आपके घर के अंदर जानदार तस्वीर है, आपके घर में जानदार तस्वीर। अल्लाह के नबी ने कहा मेरे घर में तस्वीर, तो अल्लाह के नबी ने पूरा घर देखे, ना फर्नीचर था ना सामान था, घर में कुछ भी नहीं, तो अल्लाह की जस्म की घर की निगाह, अल्लाह की जस्म की निगाह जो है ना घर के दरवाजा तो है ना दरवाजे पे जो पर्दा था ना पर्दे पे चले गए, और पर्दे के अंदर जो है ना जो पर्दा था ना पर्दे के ऊपर एक घोड़े की चेहरे की शक्ल बनी हुई, डिजाइन में जो बनती ना घोड़े के चेहरे की शक्ल बनी हुई थी, तो जिब्राइल सलाम घर में नहीं आ रहे थे, अल्लाह की जस्म ने पर्दा निकल के फौरन फाड़ दिया, फिर जिब्राइल सलातुस्सलाम घर में आए। तो आज कितनी गए कितनी तस्वीरें हमारे घरों में आ गई, अल्लाह का फजल है, घर के काम की बरकत से घरों से बुत तो निकल गए, विमान वालों के घरों में बुत तो नहीं है, लेकिन कितनी जानदार तस्वीरें हमारे घरों, साबुन लेकर आओ तो साबुन पे तस्वीर मिलेंगी, तेल का डब्बा लेकर आओ तो तेल के डब्बे पे तस्वीर मिलेंगी, चावल की थीली लाओ तो चावल की थीली, ऐसी कौन सी चीज है दाग दस्ते का पाउडर लेकर आओ तो उसमें भी तस्वीर मिलेगी। कितनी तस्वीरें गैर महसूस तरीके से हमारे घरों में आ गई और हमको उसका एहसास भी नहीं कि हमारे घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आ गए। तो हमारा घर का माशरा, हमारा घरों का माहौल साफ सुथरा हो मेरी माँ, शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक। देखो अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 80 साल पहले, जरा ध्यान से सुनो, 80 साल पहले किताब में लिखा हुआ है कि बच्ची अगर 7 साल की हो जाए ना, लड़की अपनी खुद की 7 साल की हो जाए तो गैर महरम अजनबी से बचाओ उसको, गैर महरम अजनबी से, गैर महरम अजनबी जो है ना अजनबी से बचाओ उसको, और बच्ची जब 10 साल की हो जाए ना तो गैर महरम से बचाओ, 10 साल की उम्र से उसकी हिफाजत जरूरी है, 10 साल की उम्र से गैर महरम अजनबी से बचाओ उसको, बचपन से लड़की को सिखाओ ये गैर महरम है तेरे लिए, खालाजात भाई, फूफीजात भाई, चाचाजात भाई है ना, इनसे पर्दा है तेरे को, हाँ खालू से फूफा से पर्दा है, हाँ ये नहीं कि किससे भी बातें करी, बचपन से उसको शरीयत दीन सिखाओ। क्योंकि देखो नमाज की निगरानी जो है ना, लड़की की नमाज की निगरानी बाप के जिम्मे नहीं है, बाप लड़कियों को नमाज का हुक्म ना दे रहे, नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, नहीं बाप के जिम्मे नहीं है, बल्कि माँ के जिम्मे लड़कियों की नमाज की निगरानी और बाप के जिम्मे लड़कों की नमाज की निगरानी। जब लड़की 10 साल की हो जाए ना तो उसको पाकी नापाकी के मसाइल सिखाओ, अभी अब इसको सिखाना शुरू करो, वरना फिर वो दूसरे चीज़ें इस्तेमाल करते देखने के पाकी नापाकी के। हाँ कि वो तो आज तो अल्लाह माफ़ करे बेदीने का ऐसा माहौल है कि उस स्कूल के अंदर 7-8 साल की बच्ची को सिखाया जा रहा, तो माँ के जिम्मे पाकी नापाकी के मसाइल सिखाना। माँ अपने शोहर से सीखेंगे, शोहर मस्जिद के उलमा इकराम से मालूम करेंगे और अपने घर के अंदर अपनी औरत को आके बताएंगे, औरतें अपने बच्चों को। इसलिए शरीयत में एहतियातन कहा जाता है, देखो ध्यान से सुनो, बहुत कीमती बात है,
शरीयत में एहतियातन कहा जाता, अगर खुद की बेटी समझदार हो जाए तो बाप से कहा जाता है कि उसके आग से मिला के बात ना करे बल्कि निगाहों को नीचे रख के बात करे, बाप से कहा जाता है, क्योंकि हया ईमान का अहम शोभा है। इसलिए शरीयत में कहा गया है जब लड़का 7 साल का हो जाए ना तो उसको नमाज का हुक्म दो, 10 साल का हो जाए तो नमाज नहीं पढ़ने पे मारो, और जब बच्चा 10 साल का होगा ना इनके बिस्तर अलग अलग कर दो, लड़का लड़की के बिस्तर को अलग अलग करने का हुक्म किया जा रहा, सगे भाई बहन है लेकिन इनके बिस्तर को अलग अलग करने के लिए हुक्म दिया, क्योंकि हया है, हया ईमान का अहम शोभा है। अलग इन जैसे हम घर में दाखिल हो रहे, सलाम किए, घर में दाखिल हो गए, देखिए हजरत अबू बकर और हजरत आयशा दोनों बैठ के बात कर रहे हैं। ये अबू बकर सिद्दीक कौन है? नबियों के बाद सबसे ऊंचा मर्तबा है, सबसे ऊंचा मर्तबा, सबसे पहले जन्नत में जाने वाले नबियों के बाद, कैसा ईमान होगा। और ये हजरत आयशा जिनके पाकी के ताल्लुक से कुरान में आयत नाजिल होती, बाप और बेटी दोनों घर में बैठ के बात कर रहे, बाप और बेटी दोनों घर में बैठ के बात कर रहे। अल्लाह के इंसान से जब दाखिल हो गए घर में, सलाम करके देखा दोनों को, कि तुम दोनों बैठे तीसरे को क्यों नहीं रखा साथ में, अल्लाह के नबी कह रहे तुमने तीसरे को क्यों नहीं रखा, क्योंकि जहाँ पे एक मर्द एक औरत साथ में होती, चाहे बाप और बेटी क्यों ना हो, तन्हाई में साथ में तो तीसरा शैतान हो जाता उनके साथ, तीसरा कौन होता, शैतान हो जाता, हाँ तीसरा शैतान हो जाता। ये शरीयत को कितना प्यारा मजहब दिया, कितनी प्यारी शरीयत है, कितना प्यारा दीन दिया अल्लाह ने हमको, ये शरीयत बताई अल्लाह के नबी ने, ये माशरे का दीन है हमारे, ये माहौल का दीन है। आज हम सिर्फ बुरखा पहनने को, हाथ के मोजे और पैर के मोजे पहनने को दीन समझ लिए, इसको बुरखा समझे नहीं, मेरी माँ बहन पर्दा ये नहीं है, पर्दा तो असल ये है, देखो जो बताया जा रहा है। हजरत उमर ने दोपहर में घर के बाहर बैठे, दोपहर में धूप का वक्त है, एक साहबी ने देखा उनको, सलाम करे चले गए। जब वापस आए, आने के बाद देखा तो अमीरुल मोमिनीन बाहर बैठे, कहने लगे क्या बात है अमीरुल मोमिनीन, आप घर के बाहर बैठे हुए? कहने लगे हाँ, बोले इनके घर के अंदर बेटी है, अच्छा जो अकेली है, उसकी माँ घर में नहीं है, इसलिए मैं घर में नहीं जा रहा, घर के अंदर बेटी अकेली है तो घर में नहीं जा रहे। क्यों घर में नहीं जा रहे? क्योंकि उसकी माँ घर में नहीं है, इसलिए घर में नहीं जा रहे। ये है दीन, तो ये घर का माचरा मेरी माँ बहनों, इसलिए बच्चों को बचपन से सुन्नतों का आदि बनाए। लेकिन जैसे खाने के लिए बैठे में एक बच्चा आया छोटा सा, उल्टा ऐसे खाने लगा, कभी इधर से खा रहा कभी इधर से खा रहा, लेकिन जैसे इसके हाथ को पकड़ लिए, कहने लगे बेटा हाथ को धो के खाना, बिस्मिल्लाह बोल के खाना, अपने सामने से खाना, उसको खाने के आदाब सिखला रहे। कौन सिखा रहा? सारे नबियों के सरदार इसको सिखा रहे, छोटे बच्चों को सिखा रहे। तो हमारे घर में बच्चे कितने सुन्नत के खिलाफ काम करते, खड़े होके पानी पीरे, उल्टे ऐसे पानी पीरे, हम देखें ध्यान दें। क्योंकि मौलाना यूनुस साहब ने फरमाया करते थे बच्चों की जो उम्र है ना 1 साल से 3 साल की उम्र, ये लेने की उम्र होती है, नकाली होती है, नकाली। बच्चों के सामने तुम कन्नड़ में बात करो तो कन्नड़ में बोलना शुरू करेंगे, बच्चे में बच्चों के सामने इंग्लिश में बोलो तो इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, बच्चे नकाली होते हैं, नकाली कोरे कागज के मानीने बच्चे, उनको जो सिखाया जाएगा वो सीखेंगे। अभी छोटे छोटे बच्चे, हर घर के अंदर वो मोबाइल का फितना पहुंच गया, हर घर में, चाहे दीनदार हो बेदीन हो, हर एक के घर में, हर एक के जेब के अंदर स्क्रीन टच मोबाइल है, तो उसका असर छोटे छोटे 2 साल के बच्चों भी, 2 साल के बच्चे छोटे छोटे बगैर गेम के, बगैर कार्टून के और बगैर नाच के रहते नहीं। वो खाना खाने के टाइम पे उनको सामने मोबाइल मांगता, सोने के टाइम पे उनको मोबाइल मांगता। हालांकि बच्चे के वालिद साहब को जो मोबाइल के फंक्शन नहीं मालूम, वो छोटे बच्चे को मालूम, क्योंकि घर में माहौल बना हुआ है ना उसका। हाँ, वो फितना तो हर एक दज्जाली फितना है, खतरनाक फितना, ये दज्जाली फितना, हाँ ये दज्जाली फितना है, ये तो आजाब है अल्लाह का, तो हर एक के घर में और हर एक के जेब में पहुंच गया, तो उसका असर तो छोटे छोटे बच्चों पे हो गया। तो बचाओ बताओ, ये जब मोबाइल का असर हो सकता तो दीन का असर नहीं होगा? बच्चों के सामने कुरान पढ़ा जाएगा, नमाज पढ़ा जाएंगे जब कुरान के सामने बच्चों पे, तो उसका असर कैसे होगा? पहले जितने भी अल्लाह वाले बने होंगे ना, अल्लाह वाले जो बने ना, इनके पीछे इनकी माओ की मेहनत थी, माँ नेक थी, तकवे वाली थी, माँ के तकवे का असर होता था। बच्चे जो है माँ के मजहब पे होते, माँ की गोद बच्चों के लिए पहला मदरसा है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ये 10 साल की उम्र के अंदर कुरान के हाफिज बन गए थे, 10 साल की उम्र, जब चेहरे पे इनके दाढ़ी का बाल भी नहीं आया था जब ये मुफ्ती बनकर आए थे यमन से। देखो ध्यान से सुनो, जब मुफ्ती बनकर आए ना तो यमन वाले ने बहुत सारा हदिया दिया, इतना हदिया दिए कि सवारी पे रख के लाना पड़ा, इतने हदिया मिले। और माँ तो तकवा वाली थी, और माँ को पता चला कि बेटा दीन सीखने के लिए गया था और दुनिया ला रहा, तो माँ को जो पता चलने के बाद माँ ने जो है अपने बेटे को खबर भेजी, माँ ने अपने बेटे को खबर भेजी, बेटा तू बादशाह के दरबार में जा रहा, फकीर बन के जाएगा क्या गनी बन के जाएगा? बादशाह के दरबार में जा रहा, फकीर बन के जाएगा क्या गनी बन के जाएगा? माँ ने सिर्फ इतना इशारा भेजा, हरम के बाहर रुके हुए थे,
हरम के बाहर रुके हुए थे तो दो एहराम की चादर में दाखिल होकर जितना हदीये लेकर आए थे ना सारा तकसीम कर दिया, सारा के सारा, और दो एहराम की चादर में दाखिल, क्योंकि माँ तकवी वाली थी ना। देखो जैसा दरख्त वैसा फल, बच्चों को देखे माँ बाप की दीनदारी का पता चलता है कि माँ बाप अपने बच्चों की कैसी तरबियत कर रहे। आज बाप तो हाजी है, नमाजी है, बहुत दीनदार है, लेकिन औलाद पे मेहनत नहीं की। इसलिए निजामुद्दीन के बहुत बड़े मुफ्ती साहब है, फरमाने लगे जब लड़की अपनी 10 साल की हो जाए ना, उसको तीन तीन दिन अपने साथ में चलाओ, तीन तीन दिन साथ में लेके निकलो, तीन, क्योंकि तीन दिन की इजाज़त है, 10 दिन के लिए तो इजाज़त नहीं है, तीन तीन दिन, जब भी तीन दिन मस्तूरात में निकलेंगे उसको तीन दिन साथ में निकले, माँ बाप अपनी बच्ची को साथ में लेके निकले। और जब अपना खुद का लड़का 13 साल का हो गया तो स्टूडेंट्स की जमात में मत भेजो, तलबा की जमात में मत भेजो, बल्कि 13 साल का लड़का होगा तो अपने साथ में चिल्ले में साथ में लेके निकलो, अपने साथ तरबियत करो। वालिद वालिदिन की जिम्मेदारी है, कि वालिद की जिम्मेदारी कि अपने लड़के की नमाज की और अमाल की निगरानी करे, इसको साथ में लेके निकले 13 साल की उम्र से, हर साल का चिल्ला फिक्स इसके लिए, चाहे साल के 6 महीने लगाने वाले हो चाहे पूरी ज़िंदगी तबलीग में लगाने वाले हो, लेकिन बच्चों को 13 साल की उम्र से अपने निगरानी में, दूसरे के हवाले ना करें, दूसरे के हवाले नहीं, बल्कि लड़के को साथ में लेके निकले 13 साल की उम्र से, हर साल का चिल्ला उसको अपने साथ में लेके निकले। और लड़की जब 10 साल की हो जाए तो अपने साथ में तीन तीन दिन लेके निकले, जब भी तीन दिन निकलेंगे उसको साथ में लेके निकले। ये जिम्मेदारी है माँ बाप की, क्योंकि बच्चों को दीन सिखाना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, इसलिए खास करके उसके अंदर माँ का बहुत बड़ा दखल है, माँ का बहुत बड़ा दखल है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा माँ के साथ गुजरता। इसलिए बच्चों की जो उम्र है ना, एक साल से लेकर 3 साल की उम्र, ये तरबियत की उम्र होती है, ये उम्र में इनकी तरबियत करें, इनका ध्यान अमाल की निगरानी करें, बच्चों के लिबास भी सुन्नत और शरीयत के मुताबिक। देखो बच्चों के कपड़े माँ बाप खरीदते हैं, बच्चे कपड़े नहीं खरीदते, तो हम अपने बच्चों को ऐसे बेहयाई वाले और ऐसे बुरे कपड़े क्यों पहनाएं। अभी बच्चे मकतब में जाते, कितना प्यारा लिबास होता, पूरे आस्तीन के लिबास होते, गोल घेर कपड़े, गोल घेर वाले कपड़े होते और मकनी पहनी होती, सरों को ढक के आते, सुन्नत लिबास होता, साफ सुथरा, कितना अच्छा, कितना माहौल नूरानी दिखता। तो वैसे लिबास अपने घरों में पहनाए बच्चों को, क्योंकि ये औरतों के जो बदन के जो आज़ा खुले होते हैं ना, फरमाए उसकी हया निकल जाती है। खास करके हमारे बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाने का बहुत शौक है, बहुत अच्छी बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ाने का शौक है, पढ़ाए कोई मना नहीं है, लेकिन पढ़ाई का लिबास से क्या ताल्लुक उधर। ऐसे बेहयाई वाले लिबास पहना के भेजे जाते जिससे हया निकल जाती, वो आज़ा की हया निकल जाती। और उलमा इकराम फरमाते जो आज़ा खुले रहेंगे वो आज़ा जहन्नम के आग में जलाए जाएंगे, वो आज़ा। हाँ, फैशन नहीं बल्कि सुन्नत को जिंदा करना, हमको तो सुन्नतें देखना है, बच्चों को बचपन से शरई और सुन्नत लिबास हो तो घर का माशरा बनाना। मेरे माँ बहनों, ये वक्ती तौर पर अल्लाह के रास्ते में निकलना होता है, तकाजों पर निकलना होता है, धरती पर निकलना होता है, लेकिन हमारा घर का माशरा जब दीनदारी का बनेगा ना, तो सबको दीन पे चलना आसान होगा। वरना हमने अपनी औलाद की फिक्र नहीं करे तो वही औलाद आज देख रहे ना अपने आंखों से, वही औलाद कि माँ बाप तो वो दीनदार है लेकिन बच्चों की फिक्र नहीं करे, तो फरमाए बेटी की जो बेदीनी जो है ना, ये माँ बाप के तहजुद को भी खा जाएंगे। औलाद की नाफरमानी, बेटियों की नाफरमानी, ये क्योंकि कयामत की अलामतों में से एक है। अगर हमने अपनी औलाद की तरबियत नहीं की तो दुनिया में तो पछताना पड़ेगा, कब्र में पछताना पड़ेगा और आखिरत में खून के आंसू रोना पड़ेगा, दुनिया में जिल्लत उठाना पड़ता। बाप नमाजी है, हाजी है, लेकिन बेटी को देखने के बाद ऐसा लगता नहीं कि मुसलमान की औलाद है। उसके बाल के फैशन, उसके कपड़े, उसके रहने का रहन सहन देख के ऐसा लगता नहीं कि मुसलमान की औलाद है, ईसाई की औलाद है ऐसा लगता है। ये किधर मुसलमान मस्जिद में नहीं बल्कि चर्च में जा रहा है ऐसा लगता है उसको देख। नहीं, ताज्जुब की बात है, डरने की बात है। अपनी औलाद की बचपन से अगर निगरानी रहेंगी ना तो फिर बड़े अल्लाह के जल्द हम छोटे बच्चों को दावत दे रहे, छोटा बच्चे को बिठाए अपनी सवारी के पीछे और कहने लगे मेरे बेटे अनस है, मेरे गुलाम, देख मेरी एक सुन्नत है, तो उसको मजबूती से थामे रखना, अपने दिल को हर एक के बारे में साफ रखना, हर एक के बारे में, किसी के बारे में कीना नहीं, हसद नहीं, बुद्ध नहीं। अल्लाह के नबी बच्चों को नसीहत कर रहे, छोटे बच्चों को नसीहत कर रहे, छोटे बच्चों को। तो हम अपनी औलाद को कितने नसीहत करते हैं, लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटों को कितनी नसीहतें कर रहे, फजल सत्कार पड़े कितनी नसीहतें कर रहे, तो अपने बेटों को नसीहत कर रहे, नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नसीहत कर रहे। हिदायत तो अल्लाह देने वाले, लेकिन तरबियत, तालीम, तरबियत तो हमारे जिम्मे, हम तो कोशिश करें तालीम करें, तरबियत करें, बच्चों को तालीम में अमाल में साथ में रखें, उसके अमाल की निगरानी करें। मेरे माँ बाप, ये जिम्मेदारी है घरों में रहते हुए। देखो दीनदारों की दीनदारी देखना है तो उसके घर की शादी ब्याह देख लो, उसकी शादी ब्याह देखने का पता चलता कितने दीनदार है लोग।
हाँ शादी ब्याह के अंदर पहली शादी या आखिरी शादी में सारी ख्वाहिशात पूरी कर डालते, सारी की सारी ख्वाहिशातें, बोले हमारे घर की आखिरी शादी, बोले का बार बार शादी होती, बोले तो ऐसा करके सारे रस्म रिवाज और सारे खुराफात करते, और 8 दिन 15 दिन के अंदर तलाकें हो रही। क्यों? उनके सुन्नतों को तोड़ा जा रहा, अल्लाह के हुक्म को तोड़ के, और वो बैंक से लोन लेके लोगों को खुश करने के लिए खाना खिलाया जा रहा, लोगों को खुश करने के लिए रस्म रिवाज जिंदा किए जा रहे, तो उसकी नौसत ये होती। तो इसलिए मेरी माँ बहनों, हमारे हर घर के अंदर, हर अमल के अंदर सुन्नत जिंदा हो जाए, इसकी कोशिश करें, और अपने घर के मर्दों को दिन के काम में मामिन बने, मददगार बने, दिन के काम में साथ देने वाले बने। देखो जिस नबी की बीवी ने नबी को दिन के काम में साथ दिया, अल्लाह ने उन नबियों से बहुत काम लिया, अल्लाह ने नबियों से बहुत काम लिया। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ने साथ नहीं दिया, 950 साल की मेहनत के अंदर 80 या 83 लोग ईमान लाए। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने साथ नहीं दिया तो कोई नहीं होगा मानने वाले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी ने साथ दिया तो अल्लाह के दीन के तकाजे पे सब कुछ कुर्बान करने वाले बने, सब कुछ कुर्बान करने वाले बने। इसलिए मेरी माँ बहनों, हम नियत करें, अजाइन करें, अपने घर के मर्दों को दिन के काम में साथ देंगे। अभी अशरा लगा और एक अशरा लगा के चिल्ला लगा ले, कम से कम दो अशरे लगा के चिल्ले के लिए चले जाए, दो चिल्ले, एक 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 चिल्ला लगा, दो चिल्ले लगे, तो बहनों की नियत करें आगे बढ़ने की, आगे के तकाजों पर चलने की नियत करें। जितने तकाजों पर चलेंगे, कुर्बानी के साथ चलेंगे, उतना हमारी नस्लों में दिन बाकी रहे। कुर्बानी से असरात होते, कुर्बानी से कुर्बानी वजूद में आती। इसलिए देखो कुर्बानी असल इस्लाम के अंदर, अपने घर के मर्दों को दिन के काम में साथ देना और खुद भी चलते रहना, और फिर हमारे घरों की तालीम में, हफ्ता और तालीम में फिक्र से करना, और फिर इसके अंदर अपने घरों पे जमातों को रुकाने की नियत करें। हर घर के अंदर निजामुद्दीन से तो कहा जा रहा है कि हर घर में 100% हर घर में, चाहे मकान छोटा हो या बड़ा हो, हर घर में जमात रुके। इतना मकान छोटा, इतना छोटा है कि 4 औरतें रात को सो नहीं सकती, उकड़ू बैठ के रात गुजारे, उकड़ू बैठ के, जिस घर के अंदर उकड़ू बैठ के रात गुजार सकती, उस घर में भी जमात को रुकाओ, उस घर में भी जमात को रुकाओ। 100% घरों में जमात रुके, नए नए मकानात निजामुद्दीन में जमात आती ना काम करके, तो सबसे पहले कारगुजारी में पूछा जाता, तुम कितने नए मकानात में रुके, तो इसके पहले कभी नहीं रुके थे, ऐसे नए नए मकानात तलाश करके जमात को। तो अपने घरों पर जमातों को रुकाने की हम खुद भी नियत करें, अपने घरों पर जमातों को रुकाएं, और आने वाले हफ्तावारी तालीम में बहनों को भी तरगीब दे, जैसे दोपहर में इफ्तारी तालीम होती, सुबह में मसलात आती, इनको भी तरगीब दे कि हर घर पे जमात रुके, हर घर, कोई घर ना बचे। मोहल्ले के अंदर 350 मकान आते, 350 मकान में जमात रुकना चाहिए, 350 मकान में कोई घर ना छुटे। ऐसा आदमी जिसके तबलीग में 3 दिन नहीं लगे बल्कि 3 सेकेंड भी नहीं लगे, उसके घर में भी जमात को रुका सकते, 3 सेकेंड नहीं लगे ले कोई मसला नहीं है, उसके घर में भी जमात को रुका सकते हैं। कि मकान इतना छोटा है कि मकान में बैतुल खला नहीं है, बुरखा पहन के औरतों को जाना पड़ता बाहर के बैतुल खला में, तो चलेगा ऐसे घर में भी जमात को रुका सकते, बुरखा पहन के बाहर चले जाए वो चलेगा, हर्ज नहीं है, ऐसे घर में भी जमात को रुका सकते, कोई उजर नहीं, कोई बोल नहीं सकते कि हमारे घर पर जमात नहीं रुका सकते। हर घर में इतना मकान छोटा तो किसी का नहीं रहेगा कि जिसके अंदर 4 औरतें सो नहीं सकती। आज तो कोई कोई झोपड़पट्टी में भी ऐसा मकान नहीं रहेगा कि 4 औरतें नहीं सो सकती, मकान तो माशाल्लाह बड़े बड़े थे। अपने दिलों को बड़े रख कि घरों में आने वाले मेहमान जब अल्लाह के दीन के इज्जत पे घरों में रुकते ना, तो अल्लाह की रहमत इतनी तेजी से आती है उस घर के अंदर, जैसे ढलान की तरफ पानी तेजी से आता ना, वैसे फरमाया अल्लाह की रहमत है उस घर में तेजी से आती। तो अपने घरों पर जमातों को रुकाने की कोशिश करें। अभी आप जिस बस्ती में जा रहे हैं, कोशिश करें वहाँ से मुनद्दत जमातें बने, 3-3 दिन 2-3 मरतबा लगे रहेंगे, 10 दिन की तश्कीलें करें, 10 दिन लगे रहेंगे तो चिल्ले की तश्कील करे, चिल्ले लगाकर बैरून की तश्कीलें करे, मर्दों की भी तश्कील करे, मस्तरात की। देखो इस काम के अंदर सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी ईमान बनने वाला अमल तश्कील वाला, ये तश्कील एक ऐसा अमल है जिससे घर का 100% ईमान बनेगा जल्द से जल्द। इसलिए अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आप लोगों के वक्त के लगाने को बेइंतहा कबूल फरमा दे। आखिरी वक्त बचा हुआ इस्तगफार के साथ तौबा करते हुए अल्लाह से मांगे, अल्लाह जो भी गलती हो गई, जो भी कोताही हो गई, अल्लाह उसको माफ़ कर दे, क्योंकि नेकी करके अकड़ने वाले अल्लाह के नज़दीक मर्दूद करार दी जाती है, गलती होने का तौबा करने वाले अल्लाह के नज़दीक महफूम करार। मौलाना यूसुफ साहब ने फरमाया करते थे, तुम नेकी करके रोना शुरू कर दो, अल्लाह गुनाहों के दरवाजे बंद कर दे। नेक अमल, हजरत आयशा फरमाती है, यार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तगफार कौन लोग करे, शराब पीने वाले, चोरी करने वाले इस्तगफार करे? अल्लाह के इंसान ने फरमाया, सिद्दीक की बेटी, इस्तगफार वो लोग नहीं बल्कि इस्तगफार तो नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, नेक अमल करने वाले इस्तगफार। नेक अमल करने वालों को इस्तगफार पढ़ने के लिए कहा जाता है, जैसे वक्त लगाना था, जैसी मेहनत करना था, जैसे बस्ती वालों का हक था,
हम नहीं अदा कर सके, इसलिए एक बस्ती से दूसरी बस्ती में जा रहे। जब वापस अपने घरों पर जा रहे तो इस्तगफार करते हुए, तौबा करते हुए, नदामत के साथ वापस हो, ताकि आइंदा अच्छे अमल की तौफीक मिलेगी। अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमा दे। अमीर मसूर अदा कर तैयार रहेंगे तो फौरन निकलने की तरकीब डाले, फौरन निकल आए। ड्राइवर तैयार है? मुस्तरद और फिर मगरिब के बाद भी इसी बात का मुजाकरा करें।